गुड मॉर्निंग एवरीवन, विनायक पैरामेडिकल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम स्पेशल सेंसरी ऑर्गन के अंदर आई के बारे में डील कर रहे थे। आई के बारे में, आई की बेसिक एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद में हमने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर डील किया था। स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी लेयर के अंदर हमने आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पढ़ लिया था। मिडिल लेयर पढ़ रहे थे जिसका नाम था वेस्कुलर लेयर। उसके अंदर हमने दो पार्ट पढ़ लिए, उसकी सीलरी बॉडी और एक कोरोइड पढ़ लिया। हमने दोनों पार्ट्स पढ़ लिए। आज उसी का हम थर्ड पार्ट के बारे में डील करेंगे जिसका नाम है आयरिस। ठीक, तो क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ आई। फर्स्ट आपकी आउटर मोस्ट जो लेयर थी उसके अंदर कौन कौन से पार्ट थे? इसके आउटर मोस्ट लेयर के कौन कौन से पार्ट थे? एक था आपका स्क्लेरा था, और सेकंड वन कौन सा था? आपका कॉर्निया था। क्या था? कॉर्निया था। सेकंड वन बात करते हैं आपकी वेस्कुलर लेयर। वेस्कुलर लेयर का मीन्स मिडल लेयर है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इसके तीन पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट हो गया कोरोइड। सेकेंड था सीलेरी बॉडी, जो इनके साथ में क्या काम करती है? लिगामेंट को अटैच करवाती है। क्या काम करती है? लिगामेंट को क्या करवा रही थी? अटैच करवा रही थी। और लास्ट वन हमारा क्या था? आयरिस। लास्ट वन क्या था? आयरिस। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन आयरिस, और आयरिस के बाद में पढ़ेंगे रेटिना। आयरिस और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन रेटिना। तो बात कर रहे हैं आयरिस। आयरिस क्या होता है? तो आयरिस, हम बाहर से अगर आई को देखते हैं तो आपको एक कलर्ड पार्ट दिखाई देता है। जैसे ही हम आई को देखते हैं तो हमें एक कलर्ड पार्ट दिखाई देता है। तो इट इज ए कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आई का जो कलर पार्ट बाहर से अपन को देखे तो एक कलर लाइक एक पिगमेंट दिखाई दे रहा है। मैं एक कलर लाइक पिगमेंट दिखाई दे रहा है, उसे क्या बोल रहे अपन? आयरिस बोल रहे थे। होता कहाँ पे है? तो इट इज कहाँ पे होता है? आपके एंटीरियर टू किसके एंटीरियर होता है? लेंस के। किसके एंटीरियर होता है? लेंस के। एंड आगे बात करते हैं बिहाइंड टू किसके पीछे होता है? बिहाइंड टू पीछे किसके होता है? कॉर्निया के। किसके पीछे होता है? कॉर्निया। मीन्स लेंस से आगे है और कॉर्निया से क्या है? पीछे है। इनके बीच की जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं उसे? आयरिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन, और क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको पिगमेंट सेल पर दिखाई देती है। इन दिस पार्ट ए प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट सेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? पिगमेंट सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन, इट इज डबल लेयर ऑर्गन होता है। ये क्या होता है? डबल लेयर ऑर्गन होता है। डबल लेयर की अपन बात करते हैं, इसमें दो लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है जिसका नाम होता है आपके मस्कुलर फाइबर्स। क्या नाम होता है उसका? मस्कुलर फाइबर। सेकेंड वन बात करते हैं, एक और लेयर होती है जिनका नाम क्या होता है? मस्कुलर, और या फिर उसे बोलते हैं सर्कुलर। और सेकेंड वन होती है, उसका नाम होता है रेडिएटिंग। क्या होता है? रेडिएटिंग। नेक्स्ट वन बात करते हैं, जो आयरिस है ये आयरिस क्या होता है कि इट सेपरेट करता है किसको? एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। नेक्स्ट वन, आपके जो आयरिस है, तो जैसे ही लाइट आई के अंदर एंटर होते ही हमने क्या पढ़ा था कि जो सीलेरी बॉडी है, सीलेरी बॉडी कुछ सीक्रेशन करती,
किसका? कुछ फ्लूड का सिक्रेशन करती है। कौन से फ्लूड का सिक्रेशन कर रही है? एक्वस उम्ब्रस फ्लूड का। कौन सा का कर रही थी? एक्वस उम्ब्रस फ्लूड का सिक्रेशन कर रही थी। क्यों करती है? क्योंकि उनके अंदर सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है। अगर लाइट जा रही है, लाइट की वजह से आई क्या हो सकती है? ड्राई हो सकती है। आई क्या हो सकती है? ड्राई हो सकती है। आप कभी भी देखना, ज़्यादा धूप में जाते हो तो आपकी आंखों में हल्का सा पानी आता है, हल्का सा पानी आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है और वही सेल क्या करती है, कुछ ना कुछ फ्लूड का रिलीज करती है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी इंजरी ना हो। तो इन दीज पार्ट आर सीक्रेटेड, क्या सीक्रेट करती है? फ्लूड को। किसको फ्लूड करती, कौन सा फ्लूड को सीक्रेट करती है? एक्वस एक्वस होम्बर्स फ्लूड को। एक्वस फ्लूड को किसको कर रही है? एक्वस फ्लूड को ये रिलीज करती है। एक्वस फ्लूड को ये क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो लाइट की इंटेंसिटी है उस पे डिपेंड करती है, सॉरी आपकी जो पिपुल है, सॉरी गलत लाइन लिख दी, जो पीपल है उनका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड जो रिलैक्सेशन है वो डिपेंड करता है, इज डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लाइट के अंदर कितनी तीव्रता है वो किस पे, आपकी पिपल की साइज या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या इसकी जो साइज है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रही है? लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। अब कैसे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है कि इंटेंसिटी क्या है? सपोज करो इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जो लाइट है वो ज्यादा तीव्र लाइट है, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो आपकी जो पिपल्स है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? अरे आपके जो पिपल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। जो सर्कुलर मसल्स होती है उनके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, अगर इंटेंसिटी क्या है, अगर इंटेंसिटी कम है या फिर से बोल सकते हैं लाइट कैसी है? डिम है। ये लाइट कैसी है? ब्राइट लाइट है। कैसी है? ब्राइट है। ये लाइट कैसी है? डिम है। अगर आपके डिम लाइट है तो आप आंखों को फाड़ फाड़ के देखते हो। हाँ डिम लाइट बिल्कुल अंधरासा है, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप क्या करते हो, आंखों को फाड़ फाड़ के देखते हो ना। तो उस कंडीशन में आपकी पिपुल्स क्या हो रही है? डायलेटेड हो रही है। अगर डिम लाइट है, इंटेंसिटी क्या है? डिम है। तो इस कंडीशन में जो सर्कुलर मसल्स है वो क्या होगी? अरे सर्कुलर जो मसल्स है वो क्या होगी बेटा? डायलेटेड होगी। क्या होगी? डायलेटेड होगी। और पिपुल्स की साइज भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। पिपुल्स की साइज क्या होगी यहाँ पे? बढ़ जाएगी, रिलैक्सेशन होगा पिपुल्स। तो आपकी जो पिपुल्स है उसकी साइज डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं अपन कि आपके जो आयरिस है इनके अंदर नर्व सप्लाई कौन करवा रहा है? तो इस यहां पे नर्व सप्लाई की अपन बात करते हैं तो वो है आपका ऑटोनोमस नर्व सिस्टम होता है। तो इसमें लिखो द आयरिस सप्लाइड बाई कौन करता है? आपका ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। ऑटोनोमस का कौन कौन सा? पैरासिंपैथेटिक एंड कौन सा?
सिंपैथेटिक सप्लाई करवाती है। अब पैरा सिंपैथेटिक कौन करवा रहा है और सिंपैथेटिक कौन करवा रहा है वो बात करते हैं। तो फर्स्ट वन आता है आपका पैरा सिंपैथेटिक। क्या आता है? पैरा सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं तो पैरा सिंपैथेटिक यहां पे सप्लाई करवा रही है कौन? पैरा सिंपैथेटिक क्या काम करती है? सॉरी, ओकुलोमोटर नर्व। कौन सी होती है? सप्लाई करवाती है कौन? ओकुलोमोटर नर्व। कितने नंबर की क्रैनियल नर्व थी? अरे कल बताया था आपको, कितने नंबर की क्रैनियल नर्व है? दो या तीन? दो या तीन? हाँ देखो, स्टार्टिंग तीन याद रखने का तरीका बताऊं मैं। सबसे पहले सबको मतलब किससे है? खाने से मतलब है ना? हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं अपन? खाना खाना चाहिए, टाइम से टाइम खाने के लिए जीते हैं। तो सबसे पहले जो क्रैनियल नर्व आती है वो कौन सी आती है आपकी? ऑल्फैक्टरी क्रैनियल नर्व आती है। कौन सी आती है? ऑल्फैक्टरी आती है। सेकंड वन अगर बात करते हैं तो अगर एक बार खा लिया, खाने के बाद में अब क्या करना है? देखना है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, देखना भी जरूरी है। तो आप देखोगे, देखोगे तो आपकी कौन सी नर्व आ गई? ऑप्टिक नर्व आ गई। और उसके बाद में देखने के बाद में सुनना भी जरूरी है। अरे अगर दूसरों की सुनोगे नहीं तो लोग आपको गाली निकाल के चले जाएंगे, है ना? और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आप अगर टाइम से सुन लेते हो, उनकी सुन लेते हो, तो आप क्या करते हो? उस पर रेस्पॉन्स करते हो। उसकी आप एक गाली निकालते हो, आप चार निकालते हो उसको, और गालियाँ आपको बहुत सारी आती हैं, है ना? तो आप उसको चार निकालते हो गाली, है ना? या फिर आप उस कंडीशन में क्या होता है, सुनना भी जरूरी है। और अगर आप सुनोगे तो तीन नंबर की जो क्रैनियल नर्व आती है वो आती है आपके ओकुलोमोटर नर्व। ये आपके और आई में भी सप्लाई करती है और आई के साथ साथ में आपके ईयर में भी सप्लाई करवाती है, ठीक है? तो ये तीन टाइप की आपके नर्व होती है। तो इसमें बात करते हैं आपके पैरासिम्पेथेटिक। जो पैरासिम्पेथेटिक यहाँ पे नर्व है ओकुलोमोटर, जो कि काम क्या करती है? जो ओकुलोमोटर नर्व होती है ये काम एक ही काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल्स। क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। किसका? पीपल्स का। पीपल्स का क्या करवाएगी? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। पीपल्स का क्या करवाएगी बेटा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं। सिंपैथेटिक के अंदर अब सिंपैथेटिक क्या काम करवाएगी? वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है तो ये क्या काम करवाएगी बेटा? हाँ, रिलैक्सेशन करवाने का काम करेगी। कौन कर क्या करवाएगी? रिलैक्सेशन का काम करवा रही। सप्लाई कौन करवा रहा है? इसको सप्लाई कौन करवा रहा है? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। कौन? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ये क्या करता है? सप्लाई करवाता है। नेक्स्ट वन काम क्या करता है? डायलेटेड ऑफ या फिर डायलेशन ऑफ पीपुल्स। क्या काम करेगा? पीपुल्स का डायलेशन करवाने का काम करेगा। अब मैंने बताया ऑटोनोमस नर्व सिस्टम है, इनके अंदर नर्व सप्लाई करवाती है कौन? एक तो आपकी ओक्यूलोमोटर नर्व हो गई और सेकंड हो गई आपकी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। अब इनको कैसे पता कि कब डायलेट करवाना कब रिलैक्सेशन करवाना? कैसे पता चलेगा इनको बताओ? कैसे पता चलेगा? हाँ, अरे ऑटोनोमस नर्व सिस्टम है जो काम करता है अपने आप करता है सेंस के द्वारा, है ना? इनके अंदर सेंस होती है, इंपल्स आती है ब्रेन के पास में कि धूप ज्यादा है, है ना? लाइट अभी कैसी आ रही है, वो सेंस ब्रेन के पास में जाएगा और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग क्या करवाता है? इनको रेस्पॉन्स देता है और ये क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं कलर ऑफ आयरिस। आयरिस का जो कलर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? आयरिस का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? तो आयरिस के कलर की अगर डिटरमाइन की अगर अपन बात करते हैं तो इट डिटरमाइंड बाय, इसको डिटरमाइन करता है कौन? पिगमेंट सेल। कौन करती है? पिगमेंट सेल। अब पिगमेंट सेल का मीन्स है
किस टाइप का पिगमेंट है, किस टाइप का पिगमेंट है, वैसी आंखें होगी, लाल भूरी, है ना, किसी की ब्राउन रहती है, किसी की रेड रहती है, किसी की ब्लैक रहती है, किसी की ब्लू रहती है, ब्लू है पानी पानी, है ना। तो आईज का जो भी कलर है वो डिटरमाइन करती है आपकी पिगमेंट से। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि इसके अंदर किस कलर की पिगमेंट प्रेजेंट है या किस कलर की पिगमेंट सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ पीपुल्स की जो आईज है वो कौन सी होती है, मोस्ट ऑफ पीपुल्स की जो आई है वो कैसी होती है। जो पीपुल्स की जो आई है वो कैसी होती है बेटा, हाँ ना ब्लू, कैसी होती है ब्लू, मतलब जो पिगमेंट सेल है या पिगमेंट है वो सब इसके फेवर में सबसे ज्यादा कैसी, कौन सी होती है ब्लू, कौन सी होती है ब्लू होती है। और ब्लू के अलावा अगर अपने बात करते हैं, ब्लू के अलावा बात करते हैं तो इसके अलावा और कौन सी होती है, ब्राउन कलर की होती है ना। तो आपको जो भी एक ब्लैक सा पिगमेंट दिखाई दे रहा है ये ब्लैक नहीं होता है, इनका मोस्ट ऑफ कलर ब्लू ज्यादा होता है ना, देखने में ब्लैक लगता है लेकिन इसका कलर ब्लू होता है। और ब्लू के अलावा जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन। तो एक दूसरे की देख लो, एक दूसरे की आई देखो एक बार। नेक्स्ट वन, तो ये आपने आयरिस कंप्लीट पढ़ लिया आज। नेक्स्ट वन बात करते हैं लेंस की। लेंस वैसे तो आपके एसेसरी ऑर्गन के अंदर है, एक्स्ट्रा ऑर्गन के अंदर होता है, ठीक है ना, लेकिन यहीं पर पढ़ लेते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस तो सब जानते हो, अरे सब जानते हो लेंस तो क्या होता है, क्या होता है बेटा, हाँ, जो भी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, कहां से लाता है किरण को ये, हाँ कहां से लाता है पता नहीं, हाँ अपने आप ही आ जाती है, ऐसा कौन सा तरीका हो गया, ये होता क्या है, कांच का होता है क्या, लेंस तो कांच का ही होता है, लेंस तो कांच का ही होता है बेटा, नहीं होता है क्या, तो कैसा होता है फिर आप बताओ। माइक्रोस्कोप देखा है, उसके अंदर लेंस होता है, किसका होता है, कांच का होता है, तो लेंस का तो कांच का है, अब बताओ, तो आप बताओ, आपके अंदर तो लोहा भी है ना, तो वो कांच भी आ सकता है, नहीं आ सकता क्या, आ तो सकता है लेकिन कहां से आता है पता नहीं है। अरे तो साफ साफ लिखा है कि लेंस है, तो लेंस का मीन्स तो कांच है, लेंस का मीन्स तो कांच ही होता है बेटा। सर जोरा मत दी क्यों मान, में सही सही आंसर देवा है ना, किसका लेके आऊं बेटा, आपके जो लेंस होता है वो लेंस होता है आपके इलास्टिक फाइबर्स टिश्यू का, किसका होता है, हाईली इलास्टिक फाइबर्स का होता है। अरे छोटे बच्चे वो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ना छोटा सा एक लेंस, वो भी तो लेंस ही होता है, किसका होता है, वो कांच का थोड़ी होता है, फाइबर का होता है, लेकिन फाइबर में इतनी ताकत होती है वो कागज को जला सकता है, वो पहले छोटे थे तो करते थे ना ऐसे, उसको रख दिया है ना, तो वो काम क्या कर रहा है, उसको जला रहा है। इसका मीन्स है कि जो भी लाइट आ रही है उसके ऊपर जैसे ही लाइट आएगी तो वो मेन फोकस को क्या करता है, एकत्रित करने का काम करता है, क्या करेगा, उनको एकत्रित करने का काम करेगा, ठीक है, हाँ उनका प्रतिबिंब एक जगह पे लाता है, तभी तो उनकी वजह से वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और बढ़ के वहां पे जो कांच है कागज है उसको क्या कर सकते हैं, हम जला सकते हैं। तो अपनी आई का जो लेंस है उसको निकाल के आप कागज को जला सकते हो, अगर आपको कहीं पर माचिस नहीं मिले ना तो आई का लेंस निकालना, उसको ऐसे रखना और आप बाद में जला लेना। नेक्स्ट वन आता है आप इसके अंदर, तो इट इज हाईली इलास्टिक फाइबर्स होता है, क्या होता है, हाईली इलास्टिक फाइबर्स का होता है,
अब इनकी शेप कैसी होती है, आप पे जो लेंस है इसकी शेप कैसी होती है बताओ, कैसी शेप होती है, बाई कौन के उसे कैसी होती है, इट शेप, इसकी शेप कैसी होती है, बाई कॉनकेव शेप, ठीक है। नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं कि आपका जो लेंस होता है, द लेंस आर सिचुएटेड, ये कहां पे रहता है बेटा, इनकी जो लोकेशन होती है वो कहां पे रहती है, हाँ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सिगमेंट के बीच में। अच्छा, इसके अलावा बताओ, देखो, इट सिचुएटेड या फिर कहां पे रहता है, इमीडिएटली कहां पे रहता है बेटा, इमीडिएटली लाइंग कहां पे रहता है, इनकी अगर बात करते हैं, बिहाइंड द, कहां पे, बिहाइंड द पीपल, जो पीपल है उसके जस्ट पीछे की साइड में रहता है, जो आपकी पीपल अभी पढ़ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, तो इसके जस्ट पीछे के साइड में होता है। अब पीपल कहां पे होती है, हम तो आयरिस पढ़ रहे हैं, पीपल कहां से आ गया, ये ले बेटा, नहीं पता, क्या पता कहां कहां से पढ़ा रहे हो, है ना। अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा बेटा एक ही आपको, उसके बाद बताऊंगा। तो इसकी जो पीपल है, पीपल कहां पे रहती है, आपका जो आयरिस थे ना, आयरिस के बीच के जो स्ट्रक्चर होती है उसे पीपल बोलते हैं बेटा, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट होना है इमीडिएटली इनकी जो पोजिशन है, इनकी जो कहां पे रहता है लोकेटेड, ये रहता है पीपल के जस्ट पीछे, पीपल के क्या रहेगा, जस्ट पीछे रहेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, इस सस्पेंडेड, ये सस्पेंडेड का मीन्स होता है किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है बेटा, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, किसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, किसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, सीलियरी बॉडी, किसके साथ में, सीलियरी बॉडी। अब ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताई थी, सीलियरी बॉडी, एंड इसके साथ में, और किसके साथ में, इसके साथ में जो भी सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी जो लिगामेंट, अब लिगामेंट मैंने बोला था पढ़ के आना है, पढ़ के आए हो, क्या होता है लिगामेंट बताओ। तो ये अभी क्या है कि किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट या फिर सीलियरी बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ऐसी आपने स्ट्रक्चर देखी है, यहां पे क्या होता है, यहां से ये आयरिस आ रहा था, यहां से क्या आ रहा था, ये आयरिस आ रहा था, आयरिस के साथ में यहां पे मैंने आपको बताया था कुछ रेसेस लाइज स्ट्रक्चर जुड़ी हुई रहती है, क्या रहती है, रेसेस मतलब दागेनोमा संरचना यहां पे आपको दिखाई देती है, वो क्या होता है, वो आपकी सीलियरी बॉडी होती है, क्या होती है, सीलियरी बॉडी होती है। नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं, इसके साथ में इट एनक्लोज्ड बाई, इसके साथ में इट एनक्लोज्ड बाई, किसके साथ में एनक्लोज रहता है, बाय एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट कैप्सूल, किसके साथ में रहता है, एक ट्रांसपेरेंट कैप्सूल के साथ में एनक्लोज रहता है, पैकिंग रहती है। अब लेंस की भी पैकिंग रहती है, लेंस की भी क्या रहती है, पैकिंग रहती है। नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है, इट इज थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है वो कंट्रोल, इसको कंट्रोल कौन करता है, या मैंने आपको कल भी बताया था, इट कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा कंट्रोल रहती है, सीलियरी मसल्स के द्वारा, किसके द्वारा रहती है, सीलियरी मसल्स के द्वारा। हम सीलियरी बॉडी कल पढ़ रहे थे, उसके अंदर साफ पढ़ा था कि इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, सीलियरी मसल्स पे डिपेंड करती है, या जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उन पे डिपेंड करती है कि कितनी क्या इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ये काम क्या करता है बेटा, हाँ, काम क्या करता है, इट इज
क्या काम करता है? इट इज मेन ऑब्जेक्ट, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? टू रिफ्लेक्ट, क्या करना? रिफ्लेक्ट करना है। क्या काम करना है? रिफ्लेक्ट करने का काम है। क्या काम करने का काम है बेटा? रिफ्लेक्ट करने का काम होता है। रिफ्लेक्ट का मीन्स, रिफ्लेक्ट का मीन्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकीर्ण करना, जो जो रेडिएशन आ रहा है उसको क्या करना है? उसको रेडिएशन को एक जगह पे करने का काम करता है, एक जगह पे करने का काम करता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द आई, ऑफ द आई, मैंने आपको बताया था कि जो रेडिएशन आ रही है वो पहले क्या करेगी? कॉर्निया को क्रॉस करेगी। किसको क्रॉस करेगी? कॉर्निया को क्रॉस करेगी। कॉर्निया के बाद में किसका पास में आ रही है? आयरिस के पास में आएगी। आयरिस के पीछे क्या है आपका? लेंस है। क्या है? लेंस है। तो जो भी रेडिएशन आ रही है, जो भी रेडिएशन आ रही है, तो उसने क्या कर लिया? कॉर्निया को इजीली क्रॉस कर लिया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर आपको एक पिपुल दिखाई देगी। यहाँ पे आयरिस पे आपको क्या है? एक पिपुल है। इसके बाद में उसने क्या कर लिया है? पिपुल को कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, मतलब आई की जो लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार इसने पिपुल को, पिपुल ने क्या किया है? उसको पीछे की तरफ भेज दिया। नेक्स्ट ऑन बात करते हैं, किसके बाद क्या आ गई है? लेंस के पास में आ गई। लेकिन अभी जो आया है, अभी जो लाइट आई है वो कैसी है? इधर से भी आ गई, इधर से भी आ गई, इधर से भी आ गई। ठीक है, अरे इस टाइप से आती। लेकिन ये जैसे ही लेंस पे आ गई, जैसे ही लेंस पे आएगी, लेंस का काम होता है इसको सीधे से सीधे क्या करना है? एक जगह पे लेके जा। लेंस का काम होता है उनको सीधे से क्या करना है? रिफ्लेक्ट करवाना है। जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, जो भी फोकस, मेन फोकस करना, कहाँ पे लेके जाता है? रेटिना के पास में लेके जाता है। किसके पास में लेके जाएगा? रेटिना के पास में लेके जाएगा। तो मीन्स जितनी भी किरणें आ रही है, जितने भी प्रकाश की वेव आ रही है, उनको एक जगह करने का काम होता है। क्या होता है? एक जगह करने का काम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इन दीज स्ट्रक्चर, इन दीज स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक क्या होती है? एक स्पेशल एबिलिटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एक स्पेशल एबिलिटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इन स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, क्या होती है बेटा? आर प्रेजेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? रिफ्लेक्टरी पावर प्रेजेंट होती है। क्या? रिफ्लेक्टरी रिफ्लेक्टरी पावर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर रिफ्लेक्टरी पावर क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है बेटा। रिफ्लेक्टरी पावर इसके अंदर क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। मतलब रिफ्लेक्शन करने क्या रहता है? प्रेजेंट रहती है, जो कि इसका जो मेन फोकस है। एंड इट्स मेन फोकस, इट्स मेन फोकस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन थिकनेस। इसकी थिकनेस पे क्या कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है। थिकनेस पे क्या करेगा? वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, तो ये हो गया आपका लेंस कंप्लीट। हमने आज आयरिस पढ़ लिया, आयरिस के साथ में क्या पढ़ा है? लेंस पढ़ा है। अब लास्ट स्ट्रक्चर आपकी रहती है जिनका नाम है रेटिना। रेटिना क्या है, क्या क्या काम करती है, वो सब पढ़ते हैं। तो पहले चलो थोड़ा बहुत पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बताऊंगा आपको। रेटिना क्या होती है? रेटिना इट इज इनर मोस्ट लेयर। क्या होती है बेटा? इनर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है? ये इनर मोस्ट लेयर होती है। किसके द्वारा बनी हुई होती है? इट मेड अप बाई, मेड अप बाई किसके द्वारा मिलकर बनी हुई होती है? नर्वस टिश्यू के द्वारा। किसके मिलकर बनी है? नर्वस टिश्यू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होगा? इन दीज स्ट्रक्चर, इन दीज स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगी? अरे इस स्ट्रक्चर के साथ में आके क्या कनेक्ट हो रही है? कनेक्ट, क्या कनेक्ट हो रही है बेटा? आपकी ऑप्टिक नर्व। कौन आके कनेक्ट हो रही है? ऑप्टिक
नर्व आके कनेक्ट हो रही है. नेक्स्ट वन, इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट, इस पार्ट पे क्या होगा, इस पे पार्ट पे क्या होगा, अरे क्या आएगा इस पर, फोकस. इस पार्ट पे क्या आएगा, फोकस ऑफ द लाइट. लाइट का क्या आएगा, मेन फोकस को आके क्या हो रहा है, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, जो भी पिक्चर है, वो वहां पे क्या हो रही है, विजुलाइज हो रही है. नेक्स्ट वन, मतलब इस पार्ट्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारे आपको इम्पल्स या नर्व एंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है. जो भी फोकस आया, फोकस को डायरेक्ट किसके पास में ट्रांसफर कर देता है, किसके पास में ट्रांसफर करता है बेटा, हाँ ये आपके ऑप्टिक नर्व के पास में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है. तो ये कंटिन्यूसली पीछे किसके साथ में कनेक्ट रहती है, आपकी ऑप्टिक नर्व के साथ में कनेक्ट रहती है. नेक्स्ट वन बात करते हैं इसके साथ में, इसके अपोजिट, इन दीज अपोजिट, इसके अपोजिट क्या होगा कि आपको एक गुच्छा दिखाई देता है, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ नर्व, ग्रुप ऑफ नर्व, आपको नर्व का ग्रुप दिखाई देगा. उस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं. ऑप्टिक डिस्क का मीन्स है कि आपकी ये क्या हो गई, रेटिना हो गई. तो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या दिखाई देती है, आपको वैसे नर्व दिखाई देती है. ऑप्टिक का मीन्स होता है कि ऑप्टिक नर्व का एक गुच्छा, क्या होता है, गुच्छा होता है, जो कि डायरेक्ट क्या करता है, इम्पल्स को कलेक्ट करने का काम करता है. नेक्स्ट वन बात करते हैं कि इसके अंदर आपको दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इन दीज पार्ट्स आर टू टाइप स्ट्रक्चर, टू टाइप्स स्ट्रक्चर, इसमें दो टाइप की स्ट्रक्चर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है. एक को बोलते हैं रॉड, एक को बोलते हैं कॉन, है ना, रॉड एंड कॉन बोलते हैं. क्या होती है रॉड, रॉड के अंदर पहला वर्ड क्या आ रहा है, आर, आर का मीन्स, हाँ आर का मीन्स क्या होता है, रात, है ना, हाँ. तो इट हेल्प इन, किस में हेल्प करता है, इन विजुलाइज, विजुलाइज, विजुलाइजेशन ऑफ डिम लाइट, डिम लाइट के अंदर देखने का काम ये करता है. और ये क्या काम करता है, इट हेल्प इन विजुलाइज ऑफ किसमें, ब्राइट लाइट में, किसके अंदर, ब्राइट लाइट के अंदर, या तो ब्राइट लाइट लिख दो या फिर डे लाइट लिख दो, ब्राइट लाइट या फिर डे लाइट के अंदर ये क्या काम करता है, विजुलाइजेशन करने का काम है, करता है. नेक्स्ट में बात करते हैं होता क्या है इसके अंदर, तो आपकी रॉड, जो रॉड होता है उसके अंदर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल फोटो सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है. क्या, सिलेंड्रिकल फोटो सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है. क्या, फोटो सेंसिटिविटी इसके अंदर क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी. और कौन के अंदर, कौन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, किस टाइप की जो भी सेंसिटिविटी है वो प्रेजेंट रहती है, कोरोनियल. क्या, कौन सी रहती है, कोरोनियल फोटो सेंसिटिविटी इसके अंदर क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी. कौन सी, कोरोनियल फोटो सेंसिटिविटी इनके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, हाँ. नेक्स्ट वन बात करते हैं इसमें कि आपका जो नेक्स्ट वन है कि आपकी जो रोड लाइट है वो पेरिफेरल विजन में हेल्प करती है. इट हेल्प इन, इट हेल्प इन पेरिफेरल विजन, किस में हेल्प करती है, पेरिफेरल विजन के अंदर हेल्प करती है. नेक्स्ट वन बात करते हैं आपके जो रोड है वो आपको सेंट्रल विजन के अंदर आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी. किसके अंदर, सेंट्रल विजन के अंदर. सेंट्रल का मीन्स जो सामने सामने का है, जो आपके सामने सामने का है उसमें कौन हेल्प करता है, आपके
कौन हेल्प करता है, और आपको पेरिफेरल का मींस उसके आसपास का, आपको इधर का भी दिखाई दे रहा है, आपको इधर का भी दिखाई दे रहा है, वो काम कौन करती है, आपकी रॉड काम करती है। कौन करेगी वहां पे, रॉड काम करेगी। तो रॉड एंड कॉन में तीन मेजर डिफरेंस होता है। फेस्ट कौन कौन सा होता है, फेस्ट इसके अंदर सेंसिटिविटी की बोल सकते हैं, तो इसके एक के अंदर सिलेंड्रिकल सेंसिटिविटी होती है, सेकंड के अंदर कौन सी होती है, कोरोनियल सेंस फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। सेकंड वन बात करते हैं, आपकी जो रॉड है वो आपको डिम लाइट के अंदर हेल्प करती है, और कौन है वो आपको ब्राइट लाइट के अंदर विजुलाइजेशन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन लास्ट इसमें डिफरेंस है कि आपकी रॉड है वो आपको पेरिफेरल विजन के अंदर हेल्प करेगी, और ये किस में हेल्प करेगी, सेंट्रल विजन के अंदर क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो ये आपको क्या आ गया, कुछ रेटिना के बारे में बता दिया। आज के लिए इतना ही काफी, कल पढ़ेंगे अपन आपके ब्लड सप्लाई, इसके साथ में इसके जो भी एसेसरी ऑर्गन है, उसके बाद में आई आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है, उसके बाद एनाटॉमी कंप्लीट होती है, उसके बाद फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।